Now, get ready for inner journey, very personal journey, individual journey, very peaceful journey. What a wonderful inner journey from mind to the master, from rituals to rejoicing states. Sit very comfortably with your back slightly straight. Your eyes are closed. Now start looking inside. Keep looking on inside. जागे जागे देखते रहना मन पूर्वक मुदित भाव में बाहर. मुस्कान भरी स्थिति से बड़े प्रेममय होकर के भीतर की ओर मुड़ना. अपने से प्रेम, अपने से प्यार, अपने से मोहब्बत तुझे मालिक बना देगा. अपने आप से प्रेम, अपने आप से प्यार तुम्हें गॉडली बना देगा. अपने सुध लेना, अपने अंधेरे विदा करना, जो जो तूने भरे हैं भीतर, ये सारा कचरा विचारों विकारों का, ये सारी धूल जो विचारों विकारों की, यूजलेस नंबरलेस थॉट्स जो तूने बाहर से भरा है, निरंतर भरा है. व्रत उपवास रखा जाता था इसको खाली करने के लिए, किंतु मालूम नहीं, हम तो बिल्कुल अनजान रूप में व्रत उपवास के दिन भी माइंड को फीड करने में ही लगाए रखते हैं, ना कि माइंड को खाली करने में ही. व्रत उपवास बहुत साइंटिफिक है, बहुत ही गजब का रसायन है अपने भीतर को खाली करने के लिए. मौन पूर्वक व्रत उपवास में उतरना और अपने माइंड को खाली करने में लगे रहना, ये उसका एकमात्र महत्व है. वरना व्रत उपवास एकमात्र पाखंड हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा. जब तक हम अपने को साफ सुथरा, अपनी सफाई, अपने सुधार में नहीं उतरेंगे, व्रत उपवास का कोई लाभ ना होगा. चाहे कितने रख लो, उसके महत्व को ना समझा, उसके अर्थ को ना समझा, तो सब अनर्थ हो जाता है. लगातार जागे रहना भीतर की ओर, वही देखना जो हो रहा है. अपनी ओर से कोई कल्पना ना करना, कछु इमेजिन ना करना और देखने की कोशिश भी ना करना, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव है देखना. कोशिश की जरूरत नहीं है. एक निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में जागे जागे हर पल हर घड़ी भीतर के हर हालात को देखते रहना है. मन माया के खेल को देखते रहना है, मन के विस्तार को देखते रहना है. अंधेरा, सन्नाटा, विचारों की गति, मन की दौड़, द्वंद्व, दुई द्वैत, डुअलिटीज, पास्ट और फ्यूचर, पॉजिटिव नेगेटिव, तमाम स्थितियों को हम देखने वाले हैं. ये सब माइंड है, सब रूप माइंड के भीतर, चारों ओर माइंड का विस्तार होना नहीं चाहिए था. भीतर तो अपना विस्तार होना चाहिए था, माइंड हमारे अनुसार होना चाहिए था, कि तो हम तो माइंड में ऐसा खोए कि हम तो रहे नहीं. और अब हम शिकायत करते हैं कि माइंड हमारा कहना नहीं मानता. जब तुम हो ही नहीं, तुम्हारा कहना क्या मानेगा? तुम्हें तो अपना मालूम ही नहीं, पता ही नहीं. सबसे बड़ी इग्नोरेंस, सबसे बड़ी अज्ञानता, अनपढ़ता, अपढ़ता, इलिटरेसी भीतर है. हमने भीतर पिरोई है. बहुत बहुत बाहर वेल एजुकेटेड, बड़े एजुकेशन के शिखर हैं हमारे, किंतु भीतर हम पूरी तरह से ब्लाइंड होके जी रहा है. भीतर फुली इलिटरेट, बाहर बहुत लिटरेट, बाहर बहुत एजुकेटेड, भीतर अनएजुकेटेड. अपने ही भीतर को नहीं जानते. आइए ये एहसास उठाएं, अपने को डिस्कवर करें. लगातार जागे रहना भीतर की ओर, वही देखना जो हो रहा है. बहुत सिंसेरिटी अपनी ओर, अपनी सुरती में, अपने जागरण में, अपने होश में बने रहना.
मौन पूर्वक। वही देखना जो हो रहा है, जो जो माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है वही देखना। भीतर के टेलीविजन पर, भीतर की स्क्रीन पर आंख रखना और जीते जागते अपनी फिल्म देख लेना, अपनी कथा अपनी व्यथा देख लेना। जी भर करके जो तूने पिरोया है भीतर बाहर से, वो सब वहां प्रोजेक्ट हो रहा है, अपने सामने ही सब कुछ हो रहा है। हमें भीतर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे सामने सब जो जो घटित हो रहा है उसको देखते चले जाना है। जाके जाके देखना, मन से हट करके मन की गति को देखना, डायरेक्ट देखना, अपनी थर्ड आई को अवसर देना जगमगाने का, भीतर के अंधेरों को विदा करने का, मेडिटेशन कहलाता है। कीप डायरेक्ट वाचिंग, बहुत सहज में, सरल साधारण रूप में, वेरी नेचुरल, जैसे बाहर की ओर देखते हो ऐसे भीतर की ओर, बहुत सहज में, वेरी कैजुअली। अपनी सुरति संभाले रखना, अपनी स्मृति रखना, सुरति इतना ही रखना कि मैं देखने वाला हूं, देख रहा हूं, देख रही हूं, मैं अपने स्वभाव में जगमगा रहा हूं, मैं अपने स्वभाव में निरंतर निरंतर जागा जागा होश पूर्वक वही देख रहा हूं जो सामने उतर रहा है। अपनी ओर से कछु कल्पना नहीं करना, कछु इमेजिन नहीं करना, वही देखना जो हो रहा है। ये सबसे हसीं पल हैं जिंदगी के, जो ध्यान में तुम्हारी समाई हुई, जो सुरती में तुम्हारी समाई हुई, ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के। ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, ये सबसे हसीं पल हैं जिंदगी के, जो ध्यान में तुम्हारी, जो सुरती में तुम्हारी समाई हुए हैं, समाई हुए हैं, ये सबसे सुहाने पल हैं जिंदगी के, ये सबसे अनमोल पल हैं जिंदगी, जो ध्यान में तेरे समाई हुए, जो सुरती में तुम्हारी समाई हुए।
पल ये क्षण ये मोमेंट्स घड़ी बड़ी सौ बरस की उम्र से घड़ी बड़ी सौ बरस की उम्र से होते निहाल तेरी जब नजर से होते निहाल तेरी जब नजर से घड़ी ये बड़ी वही घड़ी सुलखनी वही घड़ी सुलखनी जो शाहो नाल ब्याह है सौ वर्ष की आयु से भी ज्यादा बड़ी है सौ वर्ष की लंबी आयु जीने से भी जो उपलब्ध नहीं होता वो इस घड़ी में हो रहा है इस मोमेंट में हो रहा है कहाँ मिलता है सारा जन्म गवा देते हैं हम तो भी ये वेल्थ ये संपदा नसीब नहीं होती बाहर की गंगा में स्नान बहुत किया इतने लंबी लंबी यात्राएं किया तेरे भीतर बहती गंगा ध्यान की सुरती की प्रेम की प्यार मोहब्बत की तेरे भीतर बहती शाश्वत गंगा ध्यान की प्रेम की सेवा की साधना की उसमें एक डुबकी लगा अवसर आया है कहीं किनारों पर ना बैठे रहना अवसर चूक जाएगा किनारों पर ना बैठे रहना मैं बारी ढूंढन गई रही किनारे बैठ थोड़ा अपनी भी फिक्र कर थोड़ी अपनी चिंता कर थोड़ी अपनी भी संभाल कर थोड़ा अपनी भी सुध ले थोड़ी अपनी भी फिक्र कर क्यों बाहरी बाहर सरे बाजार इतना सस्ता बिकता चला जा रहा है तो यूं ही बिकता चला जा रहा है सरे बाजार बीता हुआ समय फिर कब लौटता है बीते हुए श्वास फिर कब किस कीमत पे लौटते हैं अभी बैलेंस संतुलन साध ले नहीं तो मनोरोग हृदय रोग द्वार पे खड़े हैं मनोरोग हृदय रोग सारी विल पावर बाहर की बाहर खर्च करने वाले जरा सा मामूली सा धक्का लगता है लाभ हानि आती है एकदम अटैक होते हैं तूने अपनी आत्मा एकमात्र संसार बना रखा है एकमात्र मटेरियल वर्ल्ड बना रखा है तूने केवल आत्मा को उसी में उड़ेल दिया है उसी में सारा उड़ेल दिया बाहर की दुनिया में एक्सट्रोवर्ट लाइफ में साथ साथ इंट्रोवर्ट टच भी तो होना चाहिए गर्व तेरे ऊपर इतना बरस रहा है तो क्यों ना तू भी थोड़ा सा पात्र सीधा कर ले तेरा ही कल्याण होगा उसकी तो एकमात्र करुणा है उसने क्या लेना देना है उसकी करुणा है उसे मालूम है किस दिशा में सुख शांति आनंद स्वास्थ्य छलकता है वो तुझको उस दिशा की ओर थोड़ा सा समय दो पल सुबह दो पल शाम बाकी सारा दिन तू अपने माइंड को दे अपनी बॉडी को दे तू अपने मटेरियल वर्ल्ड को दे तू अपनी कमाई में लगा दो समय केवल दो समय सुबह शाम अपने भीतर बैठे मालिक को दे दे मेडिटेशन के आलम में जागे जागे रहना घड़ी बड़ी सौ बरस की उम्र से होते निहाल तेरी जब नजर घड़ी बड़ी एक घड़ी आधी से पुण्यात तुलसी संगत साधना की तुलसी संगत साध की काटे कोट अपराध काटे कोटी अपराध शब वही शब दम वही दम श्वास वही श्वास पल वही पल जो तेरी याद में गुजर जाए वो है कमाई जीवन की
वह तेरी जीवन को खड़ा किए रखती है, वह तेरी जिंदगी को बहारों में उतारे रखती है, वह तेरे जीवन को हर एक हालात में स्टैंड करती है, खड़ा रखती है, छाती तान करके तुम्हारे के हालात को स्वीकार करता चला जाता है, वो सेंस ऑफ एक्सेप्टेबिलिटी देता है। घड़ी बड़ी 100 बरस की उम्र से होती निहाल तेरी जब नजर से, ये ध्यान नहीं तो भला और क्या है, मिलते उधर हम गुजरती जिधर से, मिलती उधर अंदस की बात गुजरती इधर की बात, मिलती उधर हम गुजरती जिधर से, हम खो गई हैं नयन में तुम्हारे, हम खो गई हैं प्यास में तुम्हारे, के दिल को है जिसने के चित को है हमारी, चुराई हुई है चुराई हुई है, ये सबसे हसी पल है जिंदगी के, ये सबसे सुहाने पल है संध्या काल के, सबसे हसी पल है जिंदगी के, ये सबसे हसी पल है जिंदगी, जो सुरती में तुम्हारी जो ध्यान में तुम्हारी समाए हुए हैं, समाए हुए तेरी यादों में भगवन, समाना तो क्या तेरी यादों में भगवन, के तन मन भी आपूना, ये तन मन भी आपूना, भुलाई हुई है भुलाई हुई, सबसे हसी पल है जिंदगी के, ये सबसे सुहानी पल है संध्या काल के। इससे सुहावनी संध्या, इससे सुहानी संध्या और अधिक क्या होगी।
जब तुम अपने आप से जुड़ते चले जाते हो, अपने भीतर बैठे प्रभु को, मालिक को निहारते चले जाते हो, अपनी प्यास में डूबते चले जाते हो, अपने प्रेम की अलख जगाते चले जाते हो, अपने मालिक के साथ जो तुझे स्वस्थ, सुखद, आनंदित, निरंतर बहारों से ओतप्रोत गिर जा रहा है, उस अंशी को तुम क्या गजब अवसर दे रहे हो। हम तमाम उसके अंश हमरी और नजर उतारे, वाह ऐसी पुकार उठाए जा रहे हो। संध्या काल के ये अनमोल पल, डूबे हुए सुरती में, ध्यान में, उसके प्रेम में, कितने अनमोल पल हैं, यहां कितनी कीमत डालते हैं। कभी भी जिंदगी सारी एक्सट्रोवर्ट रूप में नहीं, थोड़ा थोड़ा इंट्रोवर्ट टच रखना, यूं ही बातों बातों में सारी जिंदगी ना गवा देना, यूं ही व्यर्थ की बातों में, छोटी छोटी बातों में, क्षुद्र बातों में, यूजलेस बातों में बहुत समय गुजर जाता है। माइंड यही चाहता है, माइंड तो चाहता ही यही है कि तू अपने आप से दूर रहे, अपने आप को भुलाए रख, अपने आप को कभी याद ना कर, हमेशा वो ऐसा हिप्नोटिज्म, ऐसी बेहोशी, ऐसी मूर्छा निरंतर निरंतर पिलाए रखता है, हिप्नोटाइज किए रखता है। अपनी याद ना तुझे आए, अगर तुझे अपनी याद आ गई, अपनी स्मृति आ गई, सेल्फ रिमेम्बरेंस में उतर गया तो माइंड विल नो लॉन्गर बी द मास्टर, द स्यूडो मास्टर, झूठा झूठा मालिक खतरा समझता है, इसलिए तेरे को पकड़ा रखता है, हर एक कदम पर, हर क्षण, हर पल अपनी गोदी में, अपनी बाहों में लिए फिरता है, और तुझे मालूम ही नहीं कि क्या हो रहा है भीतर। पश्चाताप के अंधेरे एक दिन हाथ लगते हैं तो उस वक्त सोचता है, क्वेश्चन उठाता है, विचार करता है, तब तक मौत के निकट, मृत्यु के निकट आ जाता है और हाथ से अवसर चूक जाता है। ये दुर्घटना मत घटित होने देना। आप कदाचित भी पश्चाताप के अंधेरों में ना रहना, अगर पश्चाताप है तो अब प्रीतम की याद में, अब प्रीतम की खोज में लग जाना, जो तेरे पास बचा है समय, क्षण, पल, वही बहुत है। उस मालिक को अपनी वफादारी, अपनी सिंसायरिटी प्रदान करने का, उस मालिक को रिझाने का, वही बहुत है जो बचा है। बीत गया सो बीत गया, बीते हुए की याद ना कर, आने वाले की फिक्र ना कर, आने वाला समय किसने देखा, बंध्या का पुत्र किसने देखा, वर्तमान में जी ले, तेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो जाएगा, वर्तमान के झूले में जी, झूल झूल करके जी, आप अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में जी ले। बीत गया सो बीत गया, कैसा भी बीता, अब क्यों उसको यादों में उतारता है, क्यों समय गवाता है, अब अभी की बात कर जो तेरे हाथ में है। ये मोमेंट मेडिटेशन की तुझको मालोमाल करते चले जाएंगे, ये मालिक से जोड़ते चले जाएंगे और तुझे कमी नहीं रहेगी। हम कल्प वृक्ष कल्प तरु तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित करने आए हैं। मेडिटेशन क्या है? कल्प तरु कल्प वृक्ष, मेटीरियल वर्ल्ड की कमी नहीं रहेगी, गर्व बहिर्मुखता के साथ साथ ये अंतर्मुखता पिरोलोगी, वरना यूं ही बातों बातों में, ज्ञान की बातों में, दूसरों को उपदेश देने में लगे रहोगे, दूसरों का तो अच्छा देखना चाहोगे, अपनी तरफ ध्यान ही नहीं, अपने को खोए फिरते हैं, अपनी इंप्रूवमेंट ही नहीं। ये नशा माइंड का अब काट के रख देना,
ये जीवन यूं ही ना अपने हाथ से चला जाए, ये अवसर यूं ही तेरे हाथ से ना गुजर जाए। जगाने वाले तेरी धरती पर आए, कहीं ये अवसर चुकना नहीं। जागना ही जीवन है, एकमात्र अपनी ओर जागना। अपनी संभाल, अपनी सवार, अपनी सुधार, अपनी सुध लेना तेरा धर्म है। अपने अंधेरे विदा कर, और बहुत सहज है, सरल है, साधारण है, अपने घर की बात है। कहीं बाहर जाना नहीं, अपने भीतर ही तो जगमगाना है। और पूरा पूरा अवसर उतरा, पूरा पूरा संभावना का रूप है, पूरी पॉसिबिलिटी है, पूरा पोटेंशियल तेरे भीतर है। अपने आप में अपने भीतर जगमगाना, थोड़ी सी दिशा, थोड़ा सा वाइब्रेशन, थोड़ा सा ऑरा, थोड़ा सा सानिध्य संगति जागे पुरुष की, लिविंग मास्टर की चाहिए। धन्य धन्य हो जाएगा। बातों ही बातों में बीती ना उमरिया, बातों ही बातों में बीती ना उमरिया, बातों ही बातों में बीते ना उमरिया, बातों ही बातों में बीते ना उमरिया, बातों ही बातों में बीते ना उमरिया। हमें होश ना आया, यूं ही वक्त गवाया, हमें होश ना आया, यूं ही वक्त गवाया, किया कभी ना भजन ओ मेरे मन। बातों ही बातों में बीती उमरिया, बातों ही बातों में बीती उमरिया। पार्कों में बैठ के बातें मार रहा है, कभी किया ना भजन। भजन, भजन का मतलब भजना, गीत संगीत नहीं, भजना। अरे मनुआ भागना, अब तो टिक जा, यूं ही सारा उम्र गुजर जाएगा ना। भजना, भागना, 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 थोड़ा रुक जा, टिक जा भीतर, थोड़ा ठहर जा भीतर मनुआ। क्या यूं ही बातें करता करता मरेगा, यूं ही अंधेरों में मरेगा तू। बातों ही बातों में जाए ना उमरिया, बातों ही बातों में जाए ना।